हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निखेता एजुकेशन में। तो देखिए, झारखंड में जो है 25,000 शिक्षक नियुक्ति को लेके यहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से जारी हुई है अपडेट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं और दूसरा सब्सक्राइब स्टूडेंट प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो देखिए, झारखंड में जो है नियोजन नीति रद्द होने के कारण जितनी भी शिक्षक की नियुक्तियां थी सब कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि नई नियोजन नीति तैयार होने के बाद जल्द ही 17,971 पदों पर शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। इनमें से 5,500 से अधिक पीजीटी शिक्षक होगी नियुक्ति। इसमें बताया जाता है कि हाई कोर्ट ने रद्द की थी नियोजन नीति, इससे 17 नियुक्ति परीक्षाएं रद्द हो गई थी। अब बताया जाता है कि पहले इन पदों के लिए शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया, यानी कि जो नियुक्तियां यहाँ पे रद्द हुई थी उनके लिए निकाला गया है कि सबसे पहले जो रद्द हुई थी उसकी नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाए, उसके बाद यहाँ पे देखिए सभी जो विज्ञापन है जारी किया जाए। और बताया जाता है कि झारखंड में नई नियोजन नीति तैयार है, इस पर कैबिनेट की मुहर भी लग चुकी है, इससे नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब जल्द ही 17,971 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल राज्य सरकार ने नियोजन नीति में बदलाव कर दिया था, इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राज्य से ही 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता थी, लेकिन हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। इसके बाद विभागों द्वारा भेजी गई 18 नियुक्तियां अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया था, इससे 12,471 पदों पर नियुक्ति थम गई थी। अब इन पदों के लिए जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। वही प्लस टू स्कूल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के 5,500 से अधिक पद सृजित किए जा रहे हैं, जिस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंजूरी दे दी है। बताया जाता है कि कैबिनेट में जाएगी ये मंजूरी। मंजूरी मिलते ही जेएसएससी इन पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देगी, यानी कि 17,971 पदों पर जल्द ही नियुक्ति होगी। और जितनी भी नियुक्तियां रुकी हुई थी उन सभी का जो है फिर से विज्ञापन जारी होगा, वो प्रोसीड किया जाएगा। बताया जाता है कि 16 विषय में नए पद हो रहे हैं सृजित, यानी कि प्लस टू स्कूलों में जिन विषयों में अभी तक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के एक भी पद नहीं है, उन विषयों में पद सृजन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि कुल 16 विषयों में 5,500 पीजीटी शिक्षक के पद सृजित किए जाएंगे। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के 50 स्टूडेंट पर एक शिक्षक होंगे। अन्य भाषाओं के लिए 80 छात्रों पर एक पद सृजन किया जा रहा है। राज्य गठन के 22 साल बाद प्लस टू में 16 विषयों में पद सृजन की कार्यवाही चल रही है। बताया जाता है कि इन विषयों में हो रही है पद सृजन, यानी कि देखिए किस किस विषय का पद का सृजन किया जा रहा है। तो प्लस टू स्कूलों में पीजीटी शिक्षकों में जिन विषयों का पद सृजन किया जा रहा है उनमें देखिए सबसे पहला है राजनीतिक विज्ञान, मानव शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, उर्दू, संथाली, बंगला, आईटी, मुंडारी, हो, खड़िया, खुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया शामिल हैं। इन सभी पदों का जो है सृजन फिर से किया जा रहा है। तो देखिए, जल्द ही झारखंड में नियोजन नीति पर जो है मोहर लग चुकी है, जल्द ही विज्ञापन जारी होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है झारखंड में फिर से बहाली प्रक्रिया कर दी जाएगी शुरू। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जितने भी परीक्षाएं कैंसिल हुई थी वो सभी फिर से आएंगी, तो तैयारी में लग जाइए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार यहाँ पे विजिट करें और दूसरा अपडेट। झारखंड में फिर से जल्दी बहाली आने वाली है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी शिक्षक की। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाकर मुझे फॉलो कर लेना, बिकॉज कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराती हूँ। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और अभी तक इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, दूसरा सब्सक्राइब प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।